तो दोस्तों स्वागत आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। और गाइज ये वीडियो जो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, कमेंट आया था, काफी टाइम हो गया है, मतलब महीने के आसपास हो गया है उस कमेंट को, कि गाड़ी की जो डोम लाइट है वो नहीं जल रही है, जो गाड़ी की कैबिन लाइट होती है वो मैं भी आपको रियर कैमरे के अंदर दिखाऊंगा। तो उन्होंने बोला था कि मतलब बटन से अगर हम दबाते हैं बीच में जो मतलब बीच में जो ऑप्शन होता है बटन का उस पे नहीं जल रही है, बाकी जल रही है। तो आज मैं गाड़ी की जो डोम लाइट है उसकी सारे बेसिक्स आपको समझा दूंगा कि अगर आपकी लाइट नहीं जल रही है तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं, कौन से बटन पे मतलब नहीं जलती है, कौन से पे जलती है, कौन से पे नहीं जलती, मतलब सारा ए टू जेड बेसिक जो है वो मैं आज आपको समझा दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो ये वाली लाइट है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये इसके तीन मोड होते हैं। ये सबसे इधर वाला ऑफ पे है, सेंटर में जो दरवाजे के जो सेंसर लगे होते हैं उससे जलती है, और राइट में जो है ऑन। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये तो ऑन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो सेंटर में मैंने कर दी है। तो अगर आपकी गाड़ी के अंदर सेंटर में करने पे ये नहीं जल रही, जैसे कि मैं दरवाजा खोलता हूँ, तो वैसे तो मेरे वाले में तो ठीक है, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो दरवाजा ऑन ऑफ करने पे तो ये जल रही है प्रॉपर, और उसके बाद इसमें भी जल रही है। बाय चांस सपोज आपकी जो है दरवाजा ऑन ऑफ करने पे मतलब नहीं जले और इस पे जले, इसका मतलब आपके जो दरवाजे के जो सेंसर हैं उनके अंदर दिक्कत है। वो भी मैं आपको आगे वीडियो के अंदर समझाऊंगा कहां पर कौन से सेंसर होते हैं, उन्हें आपको टेस्ट कैसे करना है। तो पहले ऑन की बात कर लेते हैं कि मान लो जब हमने ऑन करी तब भी ये नहीं जल रही है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो मेरे वाले में तो जल रही है, आपके में अगर नहीं जले तो इसका रीजन क्या हो सकता है। तो सबसे पहला काम है आपको गाड़ी के फ्यूज चेक करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये फ्यूज है, अगर आपके पास Hyundai सेंट्रो है तो मैं फ्यूज लोकेशन का जो फोटो है वो मैं डाल दूंगा। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो ये ब्लू वाला जो है 15 amp, ये सिगरेट लाइटर का है। उसके बाद जो नीचे वाला है ये थर्ड नंबर, नीचे से जो थर्ड नंबर है 10 amps का, ये वाला जो है ये रूम लाइट का फ्यूज है। तो इसे आपको चेक करना है, तो उसे चेक करने के लिए आपको जस्ट इसे फ्यूज पुलर को इसे बाहर निकालना है, और उसके बाद इसे पकड़ के ऐसे खींच देना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर चेक करना है ये जो एस बना हुआ है इस फ्यूज के अंदर, ये ब्रेक तो नहीं है। अगर ये ब्रेक हुआ तो मतलब आपका फ्यूज जो है वो खराब है, नहीं तो, और अगर ये ब्रेक नहीं है तो इसका मतलब आपका फ्यूज जो है वो ठीक है। पहले मैं इस फ्यूज को वापस लगा देता हूँ। तो मान लो लाइट का जो फ्यूज है वो बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद आपको चेक करना है इसे, तो आपको जस्ट इसे बाहर निकालना है, ये नॉर्मल तो निकलेगा नहीं, तो आप गाड़ी की चाबी ले लेना एक बार। नॉर्मल हाथ से तो निकलता नहीं है मुश्किल से, बाकी बाई चांस अगर हाथ से ना निकले तो ये देखो ये चाबी लो गाड़ी की, और उसके बाद हल्का सा इसे ये यहाँ पर आप कट देख सकते हो, ये वाला कट जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको चाबी हल्की सी फंसानी है और उसके बाद ये बाहर आ जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये बाहर आ गई है, और उसके बाद आपको इसे चेक कर लेना है कि जो आपकी एलईडी लाइट की जो तारे हैं वो प्रॉपर ठीक है कि नहीं। इसके अंदर आप मल्टीमीटर से यहाँ पर लगा के चेक कर सकते हो इसके अंदर करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर आप कोई छोटी सी बल्ब ले लेना एलईडी बल्ब, उसे यहाँ से यहाँ टच करके देख लेना लाइट आ रही है नहीं। मोस्टली आती है, कोई दिक्कत नहीं आती इसके अंदर। तो ज्यादातर जो दिक्कत आती है वो लाइट का जो फ्यूज है उसके अंदर दिक्कत आती है, या फिर इसका जो कनेक्शन है यहाँ से ही लूज हो जाते हैं। तो ये मेन दिक्कत आती है अगर आपकी लाइट जो है ऑन होने पे नहीं ऑन हो रही है, लाइक ऑन बटन पे जब हम इसे ऑन करते हैं तो ये लाइट अगर ऑन नहीं हो रही तो सिर्फ फ्यूज और इसकी दिक्कत आती है। अब बात करते हैं सेंटर की, कि भाई सेंटर पे लाइट जल रही है या नहीं जल रही, तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। अब बात करते हैं कि दरवाजा ऑन होने पे ये लाइट जलती नहीं है तो इसका रीजन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये मैं आपको एक बार दरवाजा बंद करके दिखा देता हूँ, ये दरवाजा बंद कर दिया, और उसके बाद इसे जब मैं ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर यहाँ पर देखो दरवाजे का ये लॉक लगा होता है, ये हिंज ये वाली, इसके नीचे यहाँ पर एक सेंसर दिया हुआ था, ये जो है ये रीजन होता है कि आपकी जो गाड़ी की जो सेंटर लाइट है वो दरवाजों से ऑन होगी या नहीं होगी, इसकी वजह से ये रीजन होता है। तो आपको जस्ट इसे चेक करना होता है कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा। तो इसे चेक करने के लिए आपको जस्ट ये नीचे आपको एक पेज दिख रहा है, इसे खोलना है, उसके बाद ये सेंसर बाहर निकल जाता है। तो मैं इसे खोलता हूँ, उसके बाद आपको आगे मिलता हूं। साइड स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरे पास तो ये टूल किट है, तो मेरा काम तो जो है इसी से चल जाएगा। तो इसे जस्ट आपको खोल देना है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो दोस्तों कुछ इस टाइप का ये होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो सेंसर, अगर आपको इसे चेक करना है तो ये देखो, और उसके बाद अगर आपको इसे बाहर निकालना है तो आपको जस्ट इसे इसे पुश करना है अंदर की तरफ, ये वाला,
और ये पूरा बाहर आ जाता है। तो ये जो सेंसर है, अगर आपके डोर की जो लाइट है वो नहीं जल रही है तो उसका रीजन ये सेंसर हो सकता है कि भाई अगर आपका जो लाइट का फ्यूज है वो बिल्कुल सही है और ऊपर जो कनेक्शन है वो बिल्कुल सही है। तो जो नेक्स्ट रीजन हो सकता है वो ये फ्यूज, ये सेंसर है, डोर सेंसर, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मार्केट में मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे टेस्ट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो आपको जस्ट ये जो कनेक्शन दिख रहा है, आपको सिर्फ एक तार यहां से लेनी है और उसके बाद आपको बस सिर्फ बॉडी में टच करा देनी है। और आपको मैं आपको दिखाता हूँ, अभी करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको जस्ट एक तार अंदर लगा देनी है क्योंकि ये सिंगल तार आती है अंदर से, गाड़ी के अंदर से। उसके बाद आपको इसे कहीं ग्राउंड कर देना है, जैसे यहाँ पर ये नट जो है ये ग्राउंड है, बॉडी है, तो इसे आपको टच करना है यहाँ पर ऐसे, और ऊपर देखना लाइट जल रही है, ये आप देख पा रहे हो। और अगर मैं इसे हटाता हूँ, तो मैंने इसे हटा दिया तो देखो लाइट बुझ गई है। अब टच करूंगा तो लाइट जो है दोबारा जल जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हो, और हटा दिया बुझ गई। इसका मतलब आपका जो कनेक्शन है वो बिल्कुल सही है, वायरिंग में कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूज में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मेन दिक्कत आती है वो इस सेंसर के अंदर आती है, ये देखो ये आप, ये वाली, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो जस्ट आपको इसे रिप्लेस करना होता है, इसे रिपेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता, जस्ट 100-150 रुपए में ये नया आ जाता है। तो मेरे हिसाब से तो आपको इसे रिप्लेस ही करना चाहिए। तो ये रीजन होता है अगर आपकी गाड़ी के अंदर ये लाइट नहीं जल रही है तो। दोस्तों ये थी वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।